नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं सेक्स संबंधित समस्याओं के संबंध में। ये कड़ी हमारी मुख्यतः इसलिए प्रसारित की जा रही है दोस्तों, या आप सभी के सामने लाई जा रही है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं या लोग ऐसे होते हैं जो कि सेक्स संबंधित समस्याओं या फिर सेक्स के बारे में बहुत कम बात कर पाते हैं या बात ही नहीं कर पाते हैं। उनके पास कोई ऐसा नहीं होता है जिससे बात कर पाएँ। अपने मित्रों से मजाक कर लेना तो हम उम्रों से आम बात है, लेकिन उस संबंध में पढ़ना, नॉलेज, जानकारी रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि एक नैसर्गिक क्रिया है, ये स्वाभाविक क्रिया है, सभी करते हैं अपने जीवन में संभोग, तो समस्याएँ आना भी स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। तो इस स्थिति में हम उन समस्याओं से कैसे निपटें, इसी संबंध में हमने ये कड़ी स्टार्ट की है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या समुचित या सही इलाज है, इसलिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की है दोस्तों। आइए, आज हमारे एक मेल किया है श्रोता ने, जिनकी मेल को लेते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। इनका कहना है दोस्तों कि मेरी आयु 27 वर्ष है और मेरे विवाह को 10 वर्ष बीत चुके हैं। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, इसीलिए मेरी पत्नी चाहती हैं कि केवल शनिवार की रात्रि को ही संभोग किया जाए। उस रात्रि को जो ही मैथुन प्रारंभ होता है और शिश्न पत्नी की योनि में प्रवेश करता है, त्यों ही मेरा वीर्य स्खलित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका परिणाम यह होता है कि मेरी पत्नी चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुँच पाती हैं। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो सप्ताह में केवल एक बार मैथुन करते हैं, उससे आपके अंदर इतना अधिक तनाव उत्पन्न हो जाता है कि आप अपनी मैथुन क्रिया को इतने लंबे समय तक नहीं खींच पाते कि आपकी पत्नी चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लें। यदि आप अपने स्वभाव को थोड़ा परिवर्तित कर लें और सप्ताह में 2 या 3 बार मैथुन करने का प्रयत्न करें तो आपको निःसंदेह लाभ हो सकता है। ऐसा करने से आपके मन के ऊपर इतना अधिक दबाव नहीं पड़ेगा कि आप जल्दी ही स्खलित हो जाएं। इसके अतिरिक्त आप संभोग के आसन में परिवर्तन करके ऐसे आसनों को अपनाइए जिससे आपकी पत्नी को अधिक उत्तेजना मिल सके, इससे आपको लाभ होगा। ऐसे आसनों में एक यह है कि संभोग करते समय आप कमर के बल नीचे लेट जाएं और अपनी पत्नी को ऊपर कर लें। यदि आप रबड़ के कंडोम का प्रयोग करें तो आपकी उत्तेजना में कुछ कमी आ जाएगी और आप अधिक समय तक मैथुन कर सकेंगे। कुछ घंटों बाद फिर से संभोग करके भी आप सुख को बढ़ा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे एक जो श्रोता हैं, इनकी समस्या थी, इन्होंने हमें लिख भेजा था, हमने इनकी समस्या के समाधान को ढूंढा और इनके सामने प्रस्तुत किया। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें लिख भेजें, हम आपकी समस्या पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।